दिल्ली में ऐसे हालात होंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आधी दिल्ली पानी के आगोश में है। यमुना नदी के आसपास के इलाके में तो मानो कुछ बचा ही ना हो। अशोक विहार, कश्मीरी गेट, आईटीओ, अक्षरधाम के आसपास का इलाका पानी पानी हो चुका है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति होने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के साथ मोरी गेट पर एक राहत शिविर का दौरा किया। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के। उसके लिए बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। दिल्ली सरकार भले ही समय समय पर लोगों का हालचाल पूछने के लिए ग्राउंड जीरो पर जा रही है, लेकिन प्रकृति के आगे सारे प्रयास फेल है। केजरीवाल से पहले स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। बता दें कि दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति में आज थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन इस बाढ़ ने लोगों का बहुत कुछ तबाह कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।